साइबर ठगी के मामले में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। भागलपुर में भी लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। पिछले एक महीने में एक दर्जन से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए। भागलपुर में साइबर ठगी को रोकने के लिए साइबर सेल टीम का गठन किया गया है। साइबर सेल की टीम दिन रात साइबर ठगों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। कई मामलों में साइबर सेल की टीम को सफलता भी हाथ लगी है। साइबर ठगी से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, बता रहे हैं साइबर डीएसपी रोशन कुमार। देखिए, भागलपुर साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर ठगी को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तीन तरीका से हम लोग के पास कंप्लेंट्स आते हैं। एक तो डायरेक्ट लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, सेकेंड एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से, और 1930 पे जो कॉल्स जाते हैं तो वहाँ से जैसेज हमको मिलते हैं, तो इस पर हम लोग सलाह करते हैं या उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करते हैं और किस प्रकार के साइबर की ठगी हुई है उनसे बात करने के बाद जांच उपरांत हम लोग FIR लॉन्च करके आगे प्रोसीड करते हैं। अभी तक की कोई सफलता सर? अभी हाल ही में एक भागलपुर साइबर थाने का केस है 3323, जिसमें लगभग 4.5 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें कुछ पैसे होल्ड भी थे और इसमें सफलता लगी है। हाँ, 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और 4 मोबाइल जब्त किया गया। क्या अपील रहेगी सर लोगों से? लोगों से अपील यही रहेगी कि डर और लालच से बच के रहें, किसी भी प्रकार के अनजान वीडियो कॉल्स को रिसीव न करें, कोई भी जो एप्लीकेशंस हैं उसको इंस्टॉल न करें अनजान एप्लीकेशंस को, और OTP वगैरह शेयर न करें। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआचक के मुखिया मुकेश मंडल पर पंचायत के ही सरपंच जवाहरलाल यादव ने 4 दिसंबर को भोज खाने के दौरान जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में मुखिया मुकेश मंडल के साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना को लेकर रविवार को मुखिया मुकेश मंडल के आवास पर खेरीबांध पंचायत के मुखिया अजय राय की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में सभी ग्रामीणों ने एक ही स्वर में कहा कि सरपंच और उसके परिवार के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुखिया अजय राय ने कहा कि उनके ऊपर भी कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। जिला प्रशासन मुखिया मुकेश मंडल और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो सभी ग्रामीण मिलकर आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल ने कहा कि 4 दिसंबर को हमारे पंचायत में ही एक शादी समारोह था जिसमें भोज खाने के लिए हम लोग गए हुए थे। अचानक से वहां पर सरपंच और सरपंच का पुत्र आया और एकाएक मेरे ऊपर पिस्टल की बट लाठी डंडे से प्रहार करना आरंभ कर दिया। जब तक कुछ समझ पाते तब तक हमें गंभीर चोटें लग गई थी और इसके बाद फोन के माध्यम से SSP और जगदीशपुर थाना को सूचना दिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर हमें भीड़ से निकालकर जगदीशपुर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने गंभीर बताते हुए मायागंज रेफर कर दिया, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में 4 दिन इलाज चलने के बाद पुनः घर आए। लेकिन अभी भी सरपंच के परिवार के द्वारा हमारे भाई को फोन पर जान मारने की धमकी दी जा रही है। हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं, क्योंकि यदि हमें सुरक्षा नहीं मिलती तो कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। इस पूरे घटना के बाद हमारा पूरा परिवार भयभीत होकर घर के अंदर ही रह रहा है। मैं मुकेश मंडल के घर पे आज सभी ग्रामीण, जगदीशपुर के सभी जनप्रतिनिधि बैठक है और इस बैठक में मुकेश मंडल को 2 बार मारपीट करने का काम किया है। एक बार जो मारपीट हुआ था, जो उनके घर पे ही मारपीट किया और पैर हाथ तोड़ दिया, फिर दुल्हा के भी इनके साथ मारपीट किया। बलवाचक के सरपंच साहब, वो भी जनप्रतिनिधि है और उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और आप देखते ही होंगे कि पूरे बिहार में मुखिया का मर्डर होते हुए, इसलिए हम सभी प्रशासन को सूचित करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि मुकेश मंडल को जान का, सुरक्षा का, उनके पूरे परिवार भयभीत में रहते हैं, इनको गार्ड का उपलब्ध कराया जाए। आज बैठक में क्या निर्णय हुआ सर? बैठक में यही निर्णय हुआ कि इनके साथ 3 बार घटना हो चुका। एक बार चलिए घटना हुआ था, खैर कोई बात नहीं, दुल्हा के भी घटना हो गया। इतिहा के जो भोज खाने गया था, जिनके यहाँ भोज खाने गया था, वहाँ भी इनको जो है मारने का काम किया, चैन भी छीना। तीनों भाई था, तीनों भाई का चैन भी छीना है। एक बार बार जो है इनको जो है दलित समझ के मारपीट करते रहता है और ये पूरा भयभीत है, पूरा परिवार भयभीत है। मेरे आवास पर ये बैठक रखा गया था,
कि आपके साथ में बार बार इस तरह का घटना क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग अपना आपस में बैठक रख करके बात विमर्श कर रहे थे। और मेन समस्या ये है कि मेरी राजनीतिक, मैं जो मुखिया हूँ लगातार दूसरी टर्म से, तो मेरी राजनीतिक को धूमिल करने के लिए मेरे साथ में एससी समाज महादलित के चलते मेरे लिए इस तरह मेरे ऊपर कर रहा है। और वो सामाजिक तत्वों के साथ भी रहते हैं और वो उनकी जो है आचरण बहुत गंदा है। वो पहले से भी मतलब आपराधिक क्रिम का आदमी है, उसके ऊपर कई केसेस हैं, हरिजन एक चर्चर केस हैं, धमकी भी मिल रहा है। आज भी उनके भाई द्वारा धमकी दिया गया है कि हम मतलब मेरे साले को कि उनको समझा दो नहीं तो गोली मार देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे जी। थाना में सूचना दिए हैं, डीएसपी साहब को भी मैसेज किए हैं मोबाइल पे। क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया किया जाए, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को, मेरे भाई पर भी डर बना हुआ है, साथ ही हमारे बगलगीर भाई थे नीरज, उनका भी माथा फटा हुआ है, जो इस पहले इसके स्टेटमेंट हम दे चुके हैं। हाँ, डर भी लग रहा है, कभी भी मेरे साथ में वो हत्या कर सकता है मेरा। कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार प्रशासन होगा, अगर हमको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराता है तो ये जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी हम कहते हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरे पूरे परिवार दहशत में बना हुआ है, मेरे साला को भी धमकी दिया है आज। क्या नंबर है उसका? उसका नंबर है, मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं, मेरे पास है मोबाइल नंबर, जो कि नंबर है, उस नंबर से जो धमकी आया है उसका नंबर है 8789653184। क्या बोला उसमें? यही बोला कि उनको समझा दो नहीं तो उसको जान मार देंगे जी। मेरे विषय में बोला जान मार देंगे, डर लग रहा है, मेरे साथ में किसी तरह हत्या कर सकता है वो किसी समय का, तीन बार हो चुका है, आपराधिक क्रीम का आदमी है, छे सत केस है उसके ऊपर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अपनी पारिवारिक समस्या से परेशान एक महिला आत्महत्या के इरादे से घर से निकली और भटकते हुए भागलपुर जा पहुंची। बताया जा रहा है कि अररिया जिला के भरगामा की रहने वाली आशा कार्यकर्ता पूनम देवी अपने घर से निकलकर सुबह 11 बजे भागलपुर के समाहरणालय गेट पर पहुंची और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां मौजूद पत्रकारों की नजर महिला पर पड़ी तो कलम के सिपाहियों ने सुध ली, सबसे पहले होश में लाया और उसके बाद उसे खाना खिलाया। इस दौरान महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो टीवी अंग प्रदेश की टीम ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह को इसकी सूचना दी। जैसे ही जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह को घटना के बारे में जानकारी मिली, तुरंत ही समाहरणालय गेट पर पहुंचे और महिला को लेकर स्वयं क्लिनिक ले गए। पत्रकारों ने घटना की सूचना महिला के परिजनों को दी। इसके बाद अररिया से महिला के पिता, भाई, छोटा बेटा और बेटी पहुंची। जब परिवार के लोग पहुंचे तो महिला ने भागने की कोशिश की और यह कहने लगी कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है। जब महिला के पिता ने काफी समझाया तब जाकर महिला साथ जाने को राजी हुई। यह बात सामने आ रही है कि महिला का जेवर उसके ससुर ने अपने पास रख लिया है और जमीन का भी बंटवारा नहीं किया गया है, जिस कारण वो परेशान थी। महिला के छोटे पुत्र ने कहा कि दादा जमीन का हिस्सा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और बड़े भाई पिता दादा का ही समर्थन करते हैं। महिला के बड़े बेटे ने डॉक्टर अजय सिंह से फोन पर संपर्क किया तो महिला के बेटे ने कहा कि अब ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी और माँ को जो भी इच्छा होगी हमारा समर्थन उसी बात पर होगा।
अब हमारी तरफ से माँ के द्वारा किसी भी तरह की कोई शिकायत किसी को सुनने नहीं मिलेगी। महिला की बेटी जीविका में काम करती है। महिला के परिजन जब डॉक्टर अजय सिंह के यहाँ पहुँचे तो पूनम देवी को देख काफी खुश हुए और पत्रकारों तथा डॉक्टर के काम की जमकर सराहना की। इसके बाद जाते जाते महिला की पुत्री मीनू प्रिया ने टीवी अंग प्रदेश को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि टीवी अंग प्रदेश सिर्फ खबर ही नहीं सामाजिक सरोकार का भी ख्याल रखता है। डॉक्टर साहब से यही बोलेंगे, हम तो वहाँ घर से निकले कुछ सोच के हम चले जाते हैं, गंगा जी में डूब जाएंगे। एक आदमी मिला वहाँ, बोला कि आप चले जाइए वृद्धा आश्रम। वो हमको एक ठो नंबर दिया, ऑफिस भेजवा दिया। ऑफिस में 2 घंटा रख के बोला नहीं जाइए SDO ऑफिस, यहाँ नहीं है। जैसे निकले गेट पर हम सोचे कि अब जा रहे हैं गंगा लाभ हो जाएंगे, तो वहाँ ही मीडिया सब जो है मिला हमको, वहाँ बैठाया, क्या बात है माता जी बोलिए। हम बोले कि ऐसा ऐसा मामला है, घर में भी नहीं सुन रहा है, बेटा को कहते हैं और बेटी सबको कहते हैं हिस्सा बखरा के बारे में, कब तक हम खिला पाएंगे, अब मेरा खिलाने का उम्र नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए हम आक्रोश से निकल गए। एक आज 6 महीना से बोल रहे हैं बेटा को जाइए, दादाजी से जमीन मांगिए और मेरा जेवर है मांगिए। हाँ तब वहाँ जो गए तभी से हमको उठाया, थोड़ा पानी दिया, नाश्ता ला के दिया, चाय दिया, तब डॉक्टर साहब को फोन किया अजय सर को, यहाँ से सर अपने से गया, तब गाड़ी पे बैठा के हमको यहाँ अपने क्लिनिक पर लाया, खाना उना खिलाया। तब मेरा घर पे हमको पता नहीं है, मेरा घर पे सर ही फोन कर दिया, फोन करके तब वहाँ से मेरा बेटा को बेटी को बुलाया। कारण यही है कि पारिवारिक मैटर है, जमीनी विवाद है, और ऑलरेडी पहले से मेरे फैमिली वाले दबोच के रखे हैं, मेरे जितना भी मम्मी का हक बनता है, जेवर जात शादी उदी से लेकर अभी हम लोग का इतना एज हुआ है, सारा सब कुछ अभी तक रखी हुई है। पहले अकेली थी, मांग रही थी, अब हम लोग 4-5 आदमी मांगने वाले हैं, फिर भी मेरा फैमिली के लोग नहीं सुन रहे हैं। यही सब कारण से डिप्रेशन में आके घर से निकल गई। क्या कहेंगे सर? सर को यही कहेंगे कि जहाँ तक हो नियत दिलाए, या फिर जहाँ तक हो जो भी हो संभव कोशिश कर सके। माँ को पूरा लगभग पूरा दिन सर के हाँ सर ये हम लोग ये 3 दिन से ये घर में नहीं थी, हम लोग काफ़ी दुख में थे, हम लोग का घर खाना उना नहीं भी बना, इतना सब टेंशन में थे, सब आदमी खोजने में लगे थे। हम मेरे रिलेशन का जो भी हैं, मतलब रिलेशन में नाना नानी मामा मौसी जो भी है, लेकिन मेरे फैमिली से जो मेरे अंकल दादा जो भी हैं, ये लोग को ज़रा सा भी फिक्र नहीं कि मेरा आदमी कहाँ है। कल भी भरम में जी रहे थे और आज भी भरम में जी रहे थे कि नहीं, ये लोग खुद से कहीं छुपा के रखी है और आज कह रही है कि कहाँ ना खो गया है। ऐसे संस्था को क्या कहिएगा? ऐसे संस्था को यही कहेंगे कि हम लोग का जो सोच था कि मम्मी कहाँ चल गई नहीं चल गई, उसको जो है यहाँ पे मम्मी को बचा के रखी, तो उसके लिए हम थैंक्स हैं। तो 2 दिन से हम लोग पूरा परेशान थे, हम लोग पूरा फैमिली 3 दिन से हम लोग तो मतलब संतोष कर लिए थे। हम पता नहीं बहन कहाँ है नहीं है, एकाएक हम लोग थाने जा रहे थे वहाँ पे आवेदन देने के लिए, यहाँ से भागलपुर से डॉक्टर साहब कॉल आया, तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब फिर भी बिलीव नहीं हुआ। तो आप लोग के थ्रू एक पिक दीदी का फोटो आया, तब विश्वास हुआ। जैसे फ़ोटो देखे तो हम लोग तुरंत बैक किए स्कॉर्पियो, हम वहाँ से निकले, ठीक है यहाँ पे आके। लेकिन वो सब तो डॉक्टर साहब का थैंकफुल है, हम तो उनसे छोटे हैं, लेकिन लाइफ टाइम हॉल लाइफ डॉक्टर साहब का जितना मतलब शुक्रिया करेंगे, लेकिन बहुत कम है। आज एक महिला के लिए हमें फ़ोन आया कि DM ऑफिस के पास एक महिला है जो बेहोश हो रही है और वो अररिया से डूबने के लिए आई है, गंगा में आत्महत्या करने की नियत से आई। सो हमें बुलाया गया क्योंकि हमारे संस्था डूबने से भी बचाती है और दुर्घटना में भी लोगों को मदद करती है। हम गए वहाँ पर, बात को समझा, तो प्रायः जो आत्महत्या का कारण होता है वह होता है कि प्रताड़ना, घर में कोई औरत को या बूढ़े औरत को या बूढ़े मर्द को, घर के बेटा पुतोह वगैरह ठीक से देखभाल नहीं करते, उनका बात नहीं मानते हैं,
लेकिन यह मामला पूरी दूसरी तरह का था। यह था कि इनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था अपने परिवार से, अपने गोतिया से, जो इनको मिलना चाहिए। और ये महिला घर की हेड हैं और इनको सारे अपने दो बेटी का, बेटा का ये सब फिक्र है कि इसको कैसे पढ़ाएंगे और कैसे इनकी शादी करेंगे। तो इनको नहीं मिलने से लगातार बात कर रही थी, लेकिन इनको बेटा लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और गांव के लोग भी सपोर्ट ठीक से नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए ये इनका मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ और ये सोचेंगे कि हम जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे परिवार का भला तो हम रह के क्या करेंगे। और ये डूबने की नीयत से आई तो हम अपने क्लिनिक में, घर में लाए और इनको हमने बैठाया। और इस बीच फ़ोन गया उनको, परिवार को, लेकिन परिवार के लोग त्वरित गति से जैसे ही पता चला वो लोग आए, जबकि दो दिन से लापता थी। तो अभी बात हुई और उनके बेटे सबसे भी बात हुई, सभी लोग सौहार्द वातावरण में इनको ले जा रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि जो भी मामला है परिवार का उसको सुलझा लिया जाएगा और फिर ऐसी गलती जो हम लोग किए थे वो नहीं करेंगे। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर दो दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर को रखा गया है, जिसके लिए 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने का डेट निश्चित किया गया है, जिसमें 14 वर्ग आयु के खिलाड़ी, 16 वर्ग आयु के खिलाड़ी और 18 वर्ग आयु के खिलाड़ी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने अपने जिला के लिए 32 मेडल लाए हैं, जिन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों को उनके मुकाम तक पहुंचाना। वहीं एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नसर आलम ने कहा कि यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खिलाड़ियों के बारे में काफी योजनाएं बनाई हैं। नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि मेडल लो और नौकरी पाओ, इस उद्देश्य से खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस एथलेटिक्स एसोसिएशन में जो जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सीधे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। देखिए, भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन इस साल 25 साल अपना पूरा कर रहा है और इसके तहत हम लोग सिल्वर जुबली को नज़र में रखते हुए जो एनुअल स्पोर्ट्स होता है पूरा एसोसिएशन इसके लिए अपने स्तर से काम कर रहा है। और जो हम लोगों का एथलेटिक्स का मेन ग्रुप है अंडर 14, अंडर 16 एंड अबव, सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन का कार्य भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, 15 से प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य रूप से जो हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, सभी का मुख्य उद्देश्य है इस एसोसिएशन का कि भागलपुर में जो स्पोर्ट्स का माहौल है इसको पूरी मजबूती से बना के रखा जाए। विगत सालों में भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स करवाया है और स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारे बच्चे यहाँ से चयन होते हैं वो स्टेट लेवल पे सिलेक्ट होते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे भी इन्होंने मेडल और प्राइज लिया है। और अब तो सरकार का भी है कि स्पोर्ट्स से जो जुड़ेंगे, जो प्रमाण पत्र लाएंगे, उनको सीधी नौकरी में रखी जाएगी। ये भी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, अब लोगों का रुझान इस लेकर के भी बढ़ा है। पहले स्पोर्ट्स को लोग हॉबी समझते थे कि चलो ठीक है, हम एक स्पोर्ट्स साइड से एक हॉबी हमारा, लेकिन अब तो इसको रोज़गार से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो हमारे युवा हैं भागलपुर के, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, ये सभी लोग इसमें जुड़ें और जो पुराने गंदे लत हैं, नशा इत्यादि अन्य चीज़ों में जो भटक रहे हैं, तो अनुशासित जीवन इनका जिए। और ये हमारा कार्यक्रम जिला स्तर पर और हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर भी आने वाले दिन में प्लान किया है। इसके पहले भी जो हुआ है तो हम लोग इस बार पंचमा मना रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एथलीट्स की प्रतियोगिता क्या होती है, एथलीट्स क्या होता है और इसमें हम लोग कितना आगे हैं, भागलपुर कितना आगे है। तो इसीलिए आज मीटिंग थी। इसमें हम लोग एथलीट्स में कई इवेंट्स हैं, इसमें हम लोग ग्रुप भी इसमें है, जैसे कि अंडर 14, अंडर 16 और उसके बाद एबव भी 16 एबव कर रहे हैं। मिला जुला के गर्ल्स बॉयज़ मिला के हम लोग का 6 ग्रुप है, जिसमें कि 60 इवेंट्स हो रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग का मकसद ये था कि अंडर 14 और 16 कराने का, कि ये निर्जा में एक गेम होता है एथलेटिक्स में, जो कि किसी भी खेल में वैसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिला से डायरेक्ट हम नेशनल खिला सकते हैं। यही एक इवेंट्स है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का, कि हम जिला के लेवल से डायरेक्ट नेशनल खिलाते हैं। बाकी और सब गेम में क्या है,
कि हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट खिलाते हैं, फिर प्रमंडली खिलाते हैं, फिर स्टेट खिलाते हैं, फिर जोनल खिलाते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया खिलाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रतियोगिता है जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट जिला से लेकर के हम नेशनल तक खेलते हैं। इसी की देन है कि नीरज चोपड़ा जब एथलेटिक्स में अभी जो मेडल ओलंपिक में दिया, इसी की देन है। पहला जब हम लोग का नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट हुआ था उसमें उन्होंने पदक जीता था नीरज चोपड़ा। तो ये तब लगा एथलेटिक्सन को कि नहीं, ये जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र से डायरेक्ट लड़का यहाँ पर आ सकता है यहाँ पर। तो ये प्रतियोगिता तो शुरू हुई थी एथलीट एसोसिएशन की ओर से। ये 25वां वर्ष जिला का मीट होगा, एनुअल मीट होगा, जिसमें कि संडिस कंपाउंड और ये जिला कार्यालय दोनों जगह 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन कराने का बच्चे बच्चियों का समय निर्धारित किया गया है। और 24 और 25 तारीख दो दिन ये इवेंट चलेंगे, जिसमें कि सारे बच्चे बच्चियां 14, 16 और एबव उम्र के इसमें शामिल होंगे। मैं जिला एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामना देता हूँ कि पिछले 16 वर्षों से इस संस्थान को ये चला रहे हैं, इनके अध्यक्षता में चल रहा है, और इनके जो संस्था के सचिव नसर साहब और पूरी टीम, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पूरी टीम का जो सहयोग इनको है और पूरी टीम एक संगठन के तरह एक यूनिटी के साथ इस काम को, इस दायित्व को निभा रहे हैं, तो पूरी टीम को इनकी बधाई और शुभकामना देता हूं। क्योंकि हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी घोषणा कर दिया है कि जो बच्चे मेडल लेके आएंगे सीधे नौकरी पाएंगे। तो इसमें जो इन लोगों का भी ये सफल प्रयास है या सहयोग एक तरह से कहिए,